सो गाइज़ हेलो एंड वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं मौजूद हूँ इस वक्त शेरवानी कार्स पे, और इससे पहले आपने जो रिव्यू देखा है ऑडी A3 का, वो भी शेरवानी कार्स पे थी। अभी शोरूम के ओनर मेरे साथ मौजूद हैं, भाई हसन, और वो इस गाड़ी की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये सिविक 1.8 है, 1.8 ओरियल है ये, और भाई हसन हमारे साथ आप डिटेल्स शेयर करेंगे इस गाड़ी की, कौन सा मॉडल है, और वीडियो के एंड पे आपको इसकी प्राइस भी पता लगेगी। थैंक यू सो मच हसन भाई आपके टाइम के लिए। सर वेलकम वेलकम। ये सर 2016 मॉडल है, ओरियल प्रोस्मेटिक जी। ये फुल ऑप्शन गाड़ी है, लेकिन ये यूजी नहीं है। यूजी में और दूसरी गाड़ी में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ लेदर सीट्स का होता है। 1.5 टर्बो और 1.8 को डिफर करने का जो वो फिजिकल उसकी जो है ना अपीयरेंस को चेंज करने, वो यही है कि आपको पता लग जाए जिसके ब्लैक ग्रिल है वो टर्बो है, और जो सिल्वर क्रोम ग्रिल में है वो 1.8 है। ये 2016 मॉडल है और फैब्रिक सीट्स में गाड़ी यूजी नहीं है। यूजी और फैब्रिक में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी लेदर पोशिश का है। 70,000 प्राइस जो है वो उसकी एक्स्ट्रा होती है यूजी की। वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसके अंदर नेविगेशन अंडरस्टूड होता है, जबकि जो फैब्रिक होती है उसमें आपके पास ऑप्शनल होता है नेविगेशन के। आप नेविगेशन ना भी लगवाएं तो भी वो चल जाता है, सिंपल टेप भी लग जाती है उसमें। और फैब्रिक के अंदर ये हमें फ्रंट कैमरा भी बाद में लगवाना पड़ता है। फ्रंट कैमरा इसमें आता है। अच्छा, इसमें आता है, इसमें बिल्ट इन आता है। ये सारी होंडाज में मिलेगा आपको। हाँ, जो ओरियल नहीं होती गाड़ी, जो हार्ड टॉप प्रोस्मेटिक होती है, उसमें फ्रंट कैमरा शैमरा भी नहीं होता, उसमें इवन दो पुश स्टार्ट भी नहीं होता, वो की स्टार्ट होती है। तो इससे पहले 1.5 के बारे में मेरे साथ एक और सिविक के ओनर है, मैंने उनका भी रिव्यू किया था अपनी चैनल पे, उन्होंने बताया था कि 1.5 में काफ़ी इश्यूज आते रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या वो इश्यूज अभी क्लियर हो गए हैं आपके नॉलेज में? क्लियर कर दिए होंगे। अब होंडा ने सारी की सारी जिसके जो उसके अंदर मेल फंक्शनिंग थी या जो भी इंजन में किसी किस्म के फॉल्ट्स थे, वो सारे के सारे उन्होंने रिमूव कर दिए। जो नॉकिंग का इशू, उसके अंदर नॉकिंग का इशू इस वजह से आया था क्योंकि 1.5 टर्बो है वो गाड़ी, वो फ्यूल उसके मुताबिक वो मैच नहीं, पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा रिफाइंड किस्म का नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो गाड़ी का जो इंजन है, जो टर्बो इंजन है, वो आम तेल को बेयर नहीं करता। इसके लिए स्पेशली हाई ऑक्टेन डलता है। यहाँ पर हाई ऑक्टेन भी इवन दो ठीक नहीं आता, हाई ऑक्टेन में भी मिलावट की जाती है, उसमें भी जो है मिलावट होती है, जिसकी वजह से वो जब उसको इंजन को उसके अकॉर्डिंग फ्यूल नहीं मिलता, वो चाहे पेट्रोल है, चाहे हाई ऑक्टेन है, कुछ भी है, चाहे अल्ट्रॉन है, 92, 93, किसी तरह भी पेट्रोल है, जब उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग वो बिल्ड किया गया, तो फिर वो इंजन मसला करेगा। तो टर्बो के अंदर मसला नॉकिंग का आया ही इसी वजह से था, और टर्बो के अंदर नॉकिंग के अलावा कोई इशू नहीं था। उसमें नॉकिंग का इशू है, लोगों के पास 2-2, 4-4 हज़ार चली गाड़ियों ने भी नॉकिंग स्टार्ट कर दी थी, सिर्फ इस वजह से कि उनको हाई ऑक्टेन उसके कैपेबल नहीं मिल रहा था। और मैंने पहले भी डिस्कस किया था इससे पहले, जो मैंने रिव्यू बनाया था, कि जो गाड़ियाँ जली थी लोगों की, वो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से जली। उसमें कंपनी का किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था, वो लोग HIDs इतनी हार्ड किस्म की लगवा देते थे जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ बर्न होना शुरू, उनकी बैटरीज जल जाती थी, गाड़ियाँ इवन इशू आ जाता था, शॉर्ट सर्किट हो जाती थी, वो ड्यू टू HIDs है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। स्पेसिफिकली इस गाड़ी की बात करें तो इसका एक पीस रीपेंट हुआ हुआ है गाड़ी का, ठीक, बाकी सारी जनजार है, पुराना मॉडल 4 साल 5 साल चली गई है गाड़ी, एक पीस इसका रीपेंटेड है, बाकी सारी की सारी जेन्युइन पेंट की गाड़ी है। टायर्स इसको ब्रांड न्यू डले हुए हैं गाड़ी को, और स्पेयर व्हील इसका अनटच है, स्पेयर बोट इसका अनटच है गाड़ी का। और गाड़ी 4 साल पुरानी होने के बावजूद बहुत अच्छी कंडीशन में है। जी बिल्कुल, ये बस हर बंदा इस तरह कैरी नहीं ना कर सकता। और माइलेज, माइलेज इसकी 61,000 ड्रिवन है, ओरिजिनल ओरिजिनल माइलेज, सारी की सारी होंडा से मेंटेन्ड है विद रिकॉर्ड। और गाइस, इसके ऊपर किसी तरह की कोई भी इस गाड़ी पे मॉडिफिकेशन नहीं की गई, आप देख सकते हैं कि अपनी स्टॉक कंडीशन में है, और अपनी जो ओरिजिनल इसकी लुक है, अपनी परफेक्ट लुक दे रही है ये गाड़ी। तो हसन भाई, करंट प्राइस क्या अब चल रही है इस गाड़ी की? सर इसकी करंट प्राइस जो है 2020 मॉडल को, उसमें थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग भी लिया, जिसको जो फेस लिफ्ट का नाम दिया, उसमें उन्होंने उसकी हेडलाइट्स चेंज की हैं गाड़ी की, और अलॉयरिम्स चेंज की हैं उसमें उन्होंने कंपनी ने। जो करंट प्राइस है इसकी इस टाइम गाड़ी की 39 लाख गाड़ी की प्राइस है, 1 लाख इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है इफ़ यू आर अ फाइलर, इफ़ यू आर अ नॉन फाइलर तो इसके ऊपर 2 लाख विद होल्डिंग टैक्स है। अगर हम फाइलर को कंसिडर करें, क्योंकि मोस्टली पीपल आर फाइलर इन दिस कंट्री नाउ, तो 39 लाख इसकी फैक्ट्री प्राइस है गाड़ी की,
और 1 लाख इसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स है, 1 लाख रुपये इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, और 2 से 2.5 लाख रुपए इसके ऊपर प्रीमियम जिसको ऑन कहते हैं वो चल रहा है। तो ये हमें कोई अराउंड 45 ऑलमोस्ट जो है वो 43 to 44 आपको ऑन रोड गाड़ी पड़ती है। इंटीरियर में भी किसी तरह की कोई चेंज नहीं, चेंजिंग नहीं है इसके इसमें, इसमें गाड़ी में चेंजिंग ये है कि इसमें एंड्रॉयड पैनल एडिशनल इंस्टॉल हुआ हुआ है, और वो नेविगेशन वाला है, वो सिंपल एंड्रॉयड पैनल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी की तरफ से सिंपल उसके अंदर है, फैब्रिक में ऑप्शनल होता है आपके पास नेविगेशन, यूजी में अंडरस्टूड नेविगेशन होता है, फैब्रिक में ऑप्शनल होता है आपके पास। तो इस गाड़ी में नेविगेशन इंस्टॉल नहीं था कंपनी की तरफ से, ये एज एडिशनल फीचर इंस्टॉल करवाया है ऑनर ने गाड़ी के। और ये सीट्स भी इसकी ओरिजिनल हैं और सीट कवर्स भी इसके ओरिजिनल हैं, बिल्कुल ये फैब्रिक सीट, क्योंकि ये 2 टोन में इसका ये आता है, सीट कवर्स इसके आते हैं। सो व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें इसकी प्राइस, इस गाड़ी की जो प्राइस इस गाड़ी की, ये 2016 मॉडल है, इसकी 29,50,000 आस्किंग प्राइस है। अगर ये जेन्युइन पेंट में होती और यूजी होती, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता, तो इसकी मिनिमम आस्किंग जो है वो मार्केट में 30,50,000 और मैक्सिमम जो है वो 31 लाख होती है। और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है, जी नेगोशिएबल, कोई विजिट करें जी बिल्कुल। तो सो गाइस, आप डिस्क्रिप्शन में से शेरवानी कार्स का कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं और आपके साथ हर तरह से कोऑपरेट करेंगे। आप आएँ, विजिट करें शोरूम को और गाड़ियाँ देखें, और आप इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं और गाड़ियाँ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह शेरवानी कार्स के ऊपर इसी तरह से और भी काफ़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं, मैं उनकी भी वीडियोस आप तक लेकर आऊँगा, और आप इनसे रब्ता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से इनका नंबर लेके। थैंक यू सो मच।